Good morning everyone, welcome back to GK today. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 19th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो दिन लग जाएंगे हमें सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने में, क्योंकि संडे को और मंडे को हमारी छुट्टी हो गई थी। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे और फिर कल से वापस अपना रिविजन रिज्यूम करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमेलिड्स। यूनाइटेड नेशंस ने किस साल को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2024, ठीक है। किस लिए? ताकि हम इन एनिमल्स के क्रूशल रोल के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि क्या इनका इम्पैक्ट है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, पार्टिकुलरली ऐसे लोग जो कि हार्श एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पर्पस है कि इन कैमलेट्स का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसके बारे में हम देख सकें और लोगों को इनकरेज कर सकें कि वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करें इन द कैमलेट सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स है 2024। सिमिलरली हमने कल बात की थी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2025 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ग्रेट स्कीम का पर्पज क्या है, आपको ये बताना है। एक्चुअली एम्पावर्ड प्रोग्राम कमिटी ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ने 7 स्टार्टअप प्रपोजल्स को अप्रूव किया है अंडर द ग्रेट स्कीम। ग्रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। तो ये पार्ट है NTTM के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कंपोनेंट का और इसको लीड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, फाइन। तो यहाँ पे इसके थ्रू ऑफर किया जाएगा ग्रांट इन एड, कितने अमाउंट का? 50 लाख रुपीज का अगले 18 मंथ्स के लिए, जिससे कि इंडिया का टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपर्टीज है वो हार्नेस हो सके फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ग्रेट स्कीम सपोर्ट करती है इनोवेटर्स को इन द टेक्निकल टेक्सटाइल, जिससे कि वो प्रोटोटाइप्स को डेवलप कर सके इनटू मार्केट रेडी टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स, जिससे कि जो कमर्शलाइजेशन है हमारा वो फैसिलिटेट हो सके, ठीक है। तो पर्पस यहाँ पे क्या है? इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इनहेंस करना इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक सस्टेनेबल टेक्सटाइल, इसके अलावा फाइबर्स, स्मार्ट टेक्सटाइल वगैरह, ठीक है। तो ये क्रूशल सपोर्ट ऑफर करता है फॉर इनोवेशन, फाइन। तो पर्पस क्या हो गया ग्रेट स्कीम का? हियर आंसर इज टू डेवलप अ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 43rd सिग्नेटरी नेशन टू नासाज आर्टेमिस अकॉर्ड्स फॉर ल्यूनार एक्सप्लोरेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। कौन सी कंट्री है जो 43rd सिग्नेटरी नेशन बन चुकी है नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड की फॉर ल्यूनार एक्सप्लोरेशन? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया 43rd सिग्नेटरी है नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड की फॉर ल्यूनार एक्सप्लोरेशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया 2020 में विद 7 फाउंडिंग नेशंस और ये जो अकॉर्ड्स हैं ये बेस्ड हैं 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी पे, ठीक है। तो ये नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं फॉर सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन, जहां पे आप प्रमोट करते हैं पीसफुल, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट कोऑपरेशन को इन द स्पेस। और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेटरीज कौन कौन सी हैं याद रखिएगा, सबसे पहले कि इंडिया भी इसकी सिग्नेटरी है, UAE हो गया और UK, ठीक है। तो 43rd सिग्नेटरी नेशन अब बन चुका है आर्मेनिया कंट्री इस नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड में, जो कि किस लिए है? फॉर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। नासा के बारे में एक और न्यूज पिछले दिनों आई थी रिगार्डिंग इसके हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो आजकल न्यूज में आ गया, ये किस स्पेस एजेंसी का है? याद रखिएगा नासा का। एक्चुअली इसने कुछ स्टडी किया है SGE यानी कि सैगिटे को, जो कि एक सिम्बायोटिक बाइनरी स्टार सिस्टम है मिल्की वे का, लेकिन उसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली हमें याद रखना है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड सम गाइडलाइंस डिलिनेटिंग द यूज ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन इन द डोमेस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट? आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन इन डोमेस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो स्ट्रीमलाइन हो सके फॉर द गवर्नमेंट एंटिटीज। तो की पॉइंट्स इसमें क्या क्या हैं? जैसे कि जो ऑटोमेटिक आर्बिट्रेशन है हमारे लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स में वो अवॉइड किया जा सके, जैसे कि आर्बिट्रेशन को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे टू द डिस्प्यूट्स अंडर
10 crore rupees, ठीक है। और इसमें इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रेफर किया जाएगा, साथ ही मीडिएशन अडॉप्ट किया जाएगा फॉर हाई वैल्यू मैटर्स। तो आर्बिट्रेशन एक क्वाजी जुडिशियल ADR प्रोसेस है जो कि गवर्न करता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट ऑफ 1996, और मीडिएशन फॉलो करता है मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023 को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट है, जैद खान पिलग्रिमेज सेंटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये सेंटर कहाँ पे लाया करता है? आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, दैट इज बी ऑप्शन। जो सतनामी कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ की, इन्होंने वॉयेंटली प्रोटेस्ट किया है डिसिक्रेशन ऑफ जैतखम, जो कि एक सैक्रेट सिंबल है। और ये टैलिस्ट जो इसका जैतखम है वो कहाँ पे मौजूद है? गिरौड विलेज में, इन द बलोटा बाजार ऑफ छत्तीसगढ़, एट द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु घसीदास, ठीक है। तो सत्तामीस फाउंड हुए थे 1657 में बाय द बीरभन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, और इनके रूट्स हमें मिलते हैं भक्ति पोइट कबीर और सेंट रविदास से, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी है इसकी स्पिरिचुअल लाइनेज फॉलो करती है गुरु घासीदास को, जो कि एक 18th सेंचुरी के सेंट हैं, ठीक है। तो इस सेंटर की लोकेशन बस हमें याद रखनी है कि ये कहाँ पे है। योर आंसर इज छत्तीसगढ़। लोकेशन की बात करें तो आपसे बिडाउट आइलैंड की लोकेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, किस वजह से? बिकॉज ऑफ साइक्लोन इल्सा। आपको याद होगा साइक्लोन इल्सा ने हाल ही में हिट किया है इस आइलैंड को, ठीक है। और ये आइलैंड कहाँ पे लाइक करता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो बहुत ही बुरी तरीके से इस आइलैंड को इस साइक्लोन ने इफेक्ट किया है। लगभग 80-90% ऑफ यहाँ की जो सी बर्ड पॉपुलेशन थी वो टोटली वाइप आउट हो चुकी हैं। और सी बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम जानते हैं, आइलैंड के लिए और इनकी रीफ हेल्थ के लिए, क्योंकि ये मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कनेक्ट करवाती हैं बेसिकली, जहाँ पे ये मरीन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं लैंड पे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिडाउट आइलैंड न्यूज में आया था बिकॉज ऑफ साइक्लोन इल्सा, और ये कहाँ पे लाइक करता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 5 lakh rupees फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द फैमिलीज ऑफ स्टेट रेजिडेंट्स हु डाइड इन द कुवैत फायर ट्रेजेडी। ये जो ट्रेजेडी है बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी, और आप सबको पता होगा कि केरला से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे इस फायर ट्रेजेडी के दौरान। यही रीजन है कि केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5 lakh rupees का फाइनेंशियल असिस्टेंस उन सभी फैमिलीज के लिए जिनके फैमिली के मेंबर इस फायर ट्रेजेडी में मारे गए हैं, ठीक है। तो इस फायर ट्रेजेडी ने 49 लाइव्स ली हैं, और इसके अलावा 50 लोग ऐसे हैं जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। तो ये डिसीजन अनाउंस किया गया ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग, जिसको चेयर किया यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये 1-1 lakh rupees प्रोवाइड करेंगे उन सभी लोगों को जो इस इंसिडेंट में इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज केरला। ठीक है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर ने हाल ही में अपनी पार्टनरशिप को एक्सपैंड कर लिया है विद द कंट्री न्यूजीलैंड इनटू अ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, जहां पे इन्होंने न्यूजीलैंड की एक्सपर्टीज लेवरेज की है इन द ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। ओके, ना सिर्फ ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में बल्कि सस्टेनेबल फार्म मैनेजमेंट में, और इसके अलावा एडवांस्ड डिजीज कंट्रोल में। तो ये जो कोलैबोरेशन है इसका पर्पस क्या है? शीप एंड गोट सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना इन द यूनियन टेरिटरी थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, जिससे कि इस रीजन का एग्रीकल्चरल लैंडस्केप जो है वो रिवाइटलाइज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक मेजर एडवांसमेंट के दौरान जम्मू एंड कश्मीर ने ब्रॉडन किया है अपना एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विद न्यूजीलैंड कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द WHO हैज डेजिग्नेटेड विच मेडिकल इंस्टीट्यूट एज अ WHO कोलाबरेटिंग सेंटर फॉर फंडामेंटल एंड लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। WHO ने किस मेडिकल इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेट किया एज अ WHO कोलाबरेटिंग सेंटर फॉर दिस पर्पज? आंसर है ए ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। और ये कब अनाउंस किया गया है? 3rd of June को, अगले 4 सालों के लिए ये इनके लिए WHO कोलाबरेटिंग सेंटर ही डेजिग्नेट रहेगा, ठीक है। तो NIMH की बात करेंगे तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में, और ये डॉक्यूमेंट करता है मेडिको हिस्टोरिकल रिसर्च को इन वेरियस ट्रेडिशनल इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। ये रिकॉग्निशन रिफ्लेक्ट करता है इंस्टीट्यूट के डेडिकेशन को टुवर्ड्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और सांसद टीवी ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें की बात हो रही है कि किस तरह से इंडिया के आर्ट और कल्चर को हम ज्यादा एक्सेसिबल बना सके, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करेंगे ये पब्लिश किए जाएंगे सांसद टीवी के ऊपर। और इस MOU का पर्पस क्या है? दोनों ही
चैनल्स मिलके जो भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनको प्रोड्यूस और ब्रॉडकास्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया सांसद टीवी के साथ टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चरल मोर एक्सेसिबल टू द पीपल। योर आंसर शुड बी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ठीक है। रिसेंटली सिरिल रामाफोसा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये कौन सी कंट्री के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुके हैं एक बार फिर से। सिरिल रामाफोसा पहले से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और अब ये सेकेंड टर्म के लिए जीत चुके हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये कोलिशन फॉर्म हुई है बिटवीन द ANC एंड डेमोक्रेटिक अलायंस और कुछ और स्मॉलर पार्टीज भी इसमें मौजूद हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब ANC जो है वो पार्लियामेंट्री मेजोरिटी नहीं ऑप्टेन कर पाई क्योंकि इसको सिर्फ 40% ऑफ द वोट्स मिले हैं इन द इलेक्शंस, ठीक है। याद रखिएगा रामाफोसा पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 15 फरवरी 2018 में। इसी के साथ ये साउथ अफ्रीका की सेकेंड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है सिंस नेल्सन मैंडेला जो कि फॉर्म हुई थी 1994 में, ठीक है। तो एक बार फिर से प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं साउथ अफ्रीका के, इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। विच कंट्री होस्टेड द 50th G7 लीडर्स समिट, ये समिट किसने होस्ट की है। आंसर है इटली। इस दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे इस मीटिंग को अटेंड करने इटली में, जहां पे डिस्कशंस कंडक्ट किए गए रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, अफ्रीका एंड मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीटिंग करी डिफरेंट लीडर्स के साथ लाइक इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड ऋषि सुनक। और ये जो 50th G7 समिट थी ये 13 से लेके 15th जून तक हुई है, कहां पे हुई है, इटली में, ठीक है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रुति वोरा। श्रुति वोरा कोलकाता से हैं और ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने जीता है 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन। इन्होंने जीता है CDI 3 इवेंट को जो कि कंडक्ट किया गया था स्लोवेनिया कंट्री में, और इसी के साथ इनको 67.761 पॉइंट्स मिले थे इनके हॉर्स मैग्नानिमस के लिए, ठीक है। तो वोरा ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 2022 के ड्रेसेज वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इसके अलावा 2010 और 2014 के एशियन गेम्स में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा श्रुति वोरा फर्स्ट इंडियन है टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन। नेक्स्ट है लिपू लेक पास रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये पास कहाँ पे लाया करता है, आंसर है उत्तराखंड। किस वजह से ये पास न्यूज में आया है, क्योंकि इंडिया के ट्रेडर्स ने रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रिज्यूम करें बॉर्डर के ट्रेड को विथ चाइना थ्रू दिस लिपू लेक पास। ये लोकेटेड है उत्तराखंड में एट 5,334 meters और लिपू लेक कनेक्ट करता है इंडिया को विथ तिब्बत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए और कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज के लिए, ठीक है। हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट भी रहा है क्योंकि ये पहला इंडिया का बॉर्डर है जिसके थ्रू हमने चाइना से ट्रेड किया था, जिसको कि 1992 में ओपन किया गया था, फॉलोड बाय शिपकिला एंड नाथुला पासेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिपुलेक पास की लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। एक और यहाँ पे मीटिंग हुई थी, इसका नाम है इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, ठीक है। याद रखिएगा ये कॉन्फ्रेंस हाल ही में कहाँ पे कंक्लूड हुई है, नई दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अलॉन्ग विद फिक्की। पर्पस क्या था, क्रूज टूरिज्म को इंडिया के अंदर इन्हांस करना हमारे बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में थ्रू कॉपरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ओके। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे IORA मेंबर स्टेट्स के लाइक बांग्लादेश, कीनिया, मालदीव्स, श्रीलंका एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपसे वेन्यू पूछा जा सकता है कि इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पे कंडक्ट हुई, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। IORA क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, इसको किसने डेवलप किया है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रशिया। रशिया ने हाल ही में क्लेम किया है कि उन्होंने यूक्रेनियन एयरबेस को टारगेट किया है यूजिंग दिस मिसाइल सिस्टम, और ये रशिया यूज कर रहा है सिंस 2006। ये एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको कि डिजाइन किया गया है फॉर टैक्टिकल स्ट्राइक, ठीक है। तो ये कैरी कर सकता है अपने साथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को। इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज है 400 से 500 किलोमीटर और ये ट्रेवल कर सकता है अप टू Mach 7। तो ये मिसाइल सिस्टम डिफरेंट फीचर्स अपने अंदर इंक्लूड करता है लाइक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स एंड डिकॉयज टू इवेड द डिफेंसेस। तो इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम को हाल ही में किस कंट्री ने डेवलप किया, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज रशिया। नेक्स्ट है काबुल प्राइजेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर अवार्डेड फॉर विच फील्ड, ये प्राइजेस किस फील्ड में दिए जाते हैं। तो 2024 के काबुली जो प्राइज विनर्स हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है
और इसके थ्रू हम ऑनर करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन को इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस. ठीक है, तो इसमें जो विनर्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इसकी फील्ड याद रखिएगा कि इस प्राइज को स्टैब्लिश किया गया था 2008 में, और इसके थ्रू हम कौन से फील्ड को ऑनर करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस. Which ministry recently launched an e-flow ecological monitoring system that allows the real-time monitoring of river quality? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक e-flow ecological monitoring system लॉन्च किया है जो कि अलाउ करता है real-time monitoring river qualities की? तो ये है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री. इन्होंने लॉन्च किया एक e-flow ecological monitoring system for real-time planning, and इसके थ्रू आप river projects और इनकी water quality को monitor कर सकते हैं. इसको develop किया है National मिशन फॉर क्लीन गंगा ने. ये एनालाइज करेगा गंगा और यमुना रिवर की वाटर क्वालिटी को, और ये ट्रैक करेगा नमामि गंगे प्रोग्राम की एक्टिविटीज को. ठीक है, तो इससे एंश्योर किया जाएगा एसटीपीज को जो कि वो एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर नहीं, और ये सिस्टम सपोर्ट करता है सस्टेनेबल गंगा रिवर फ्लो को बाय मॉनिटरिंग द क्रूशियल पैरामीटर्स इन अक्रॉस 11 प्रोजेक्ट. तो ये मार्क करता है एक पिवोटल एडवांसमेंट इन रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स अंडर इंडियाज फ्लैगशिप नमामि गंगे इनिशिएटिव. फाइन, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. यहाँ पे आपसे तीस्ता रिवर की लोकेशन भी पूछी जा सकती है. तीस्ता रिवर न्यूज में क्यों आई थी? बिकॉज ऑफ फ्लडिंग इन वेस्ट बंगाल. ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की. ठीक है, तो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द ग्लेशियर लेक्स इन सिक्किम, और 309 किलोमीटर्स में फैली हुई है लगभग, और फिर लास्ट में जाके बांग्लादेश में ये चली जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीस्ता रिवर जो न्यूज में थी बिकॉज ऑफ फ्लड्स इन वेस्ट बंगाल, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो आपको याद रखना है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है. बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, बी ऑप्शन. एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया है MI-17 हेलीकॉप्टर को टू बैटल अ वाइल्ड फायर इन द बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये सेंचुरी 47 स्क्वायर किलोमीटर्स में है इन द कुमाऊं रीजन ऑफ हिमालयाज, और ये जाना जाता है अपनी बायोडाइवर्सिटी और सीनिक व्यूज ऑफ पीक्स के लिए लाइक नंदा देवी. ठीक है, तो बिनसार का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रहा है क्योंकि ये फॉर्मर समर कैपिटल हुआ करती थी चैंड डायनेस्टी की. ठीक है, तो ये सेंचुरी जानी जाती है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए और कल्चरल हेरिटेज के लिए. यहाँ पे बिनेश्वर महादेव टेम्पल भी मौजूद है. तो यहाँ पे बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन आपको याद रखना है, ये है उत्तराखंड में. नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द अनटैप्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? योर आंसर वुड बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस का क्या पोटेंशियल है इन क्लाइमेट अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन. ठीक है, तो CII जो है वो कैपेबिलिटीज को इन्हांस करता है बाय कंबाइनिंग द डाइवर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू कोलाबरेशन एंड टेक्नोलॉजी, और ये गैप्स को ब्रिज करता है इन डेटा बाय मोबिलाइजिंग द सिटीजन्स फॉर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन. तो रिपोर्ट के अंदर क्या बातें हैं ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में. सिंपली हमें याद रखना है कि अनटैप्ड नाम की रिपोर्ट किसने पब्लिश की है. योर आंसर वुड बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर भवानी टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? खीर भवानी टेम्पल की लोकेशन क्या है? ये लाया करता है जम्मू एंड कश्मीर में, और बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स यहाँ पे इकट्ठा हुए थे फॉर द एनुअल जीष्ट अष्टमी फेस्टिवल. हो सकता है आपसे उल्टा करके पूछ लिया जाए कि जीष्ट अष्टमी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. और ये जो टेम्पल है इसको बनवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में, बाद में इसको रेनोवेट किया था महाराजा हरि सिंह ने, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है गॉडेस रग्निया देवी को. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये दुर्गा की एक अवतार है. और यहाँ पे बस हमें सिंपली याद रखना है कि खीर भवानी टेम्पल की लोकेशन क्या है. आंसर है जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट है, राजा पर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? राजा पर्व एक एग्रीकल्चरल बेस्ड फेस्टिवल है किस स्टेट का? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओडिशा. किस वजह से इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट ने अटेम्प्ट किया है राजा पर्व सेलिब्रेशन को एट राष्ट्रपति भवन फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल है फ्रॉम ओडिशा. इसको सेलिब्रेट किया जाता है बहुत एंथुजियाज्म के साथ, और पार्टिकुलरली इसमें वुमेन और चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, कब होता है? ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. 3 दिन का ये फेस्टिवल है जो कि वन ऑफ द ओडिशाज मोस्ट सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशन है. ठीक है, तो राजा पर्व नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है ओडिशा स्टेट में. लास्ट क्वेश्चन है,
Recently, India launched a local currency settlement system with which country? India ने हाल ही में एक local currency settlement system किस country के साथ develop किया है? India और UAE ने collaborate किया है to launch a local currency settlement system bilateral trade के लिए in the Indian rupees and the UAE dirhams, ठीक है? ताकि जो reliance है हमारा US dollar के ऊपर वो reduce हो सके और इस initiative का purpose क्या है? Trade processes को simplify करना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना और इकोनॉमिक टाइज को इन्हांस करना बिटवीन द कंट्रीज थ्रू डायरेक्ट करेंसी सेटलमेंट, ठीक है? तो इंडिया ने लॉन्च किया है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को अलॉन्ग विद द कंट्री यूएई। यूएई के बारे में एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो हमारी अपेडा है फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने हाल ही में फैसिलिटेट किया है फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ MD2 पाइन एप्पल्स, जिसको आप गोल्डन राइप या सुपर स्वीट के नाम से भी जानते हैं, कौन सी कंट्री के लिए? तो यूएई के लिए, ठीक है? इस शिपमेंट में 8.7 मैट्रिक टन्स ऑफ पाइन एप्पल्स मौजूद हैं, यानी कि लगभग 650 बॉक्सेस हैं पाइन एप्पल्स के। और MD2 पाइन एप्पल्स को प्राइमरीली ग्रो किया जाता है कोस्टा रिका में, फिलीपींस में और थाईलैंड में। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अपेडा ने फैसिलिटेट किया है फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ MD2 वैरायटी पाइन एप्पल्स के सक्सेसफुल एक्सपोर्ट को किस कंट्री के लिए, तो आंसर हो जाएगा यूएई, ठीक है? तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कॉमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हैट्सन साइनिंग ऑफ।